Hey guys, this is Perry Goes Wild and welcome back to my channel. And guys, यार अभी यार मेरे को एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक न्यूज मिली है मेरे सूत्र के द्वारा, जो कि बेसिकली चॉप है. गाइज यार, इस चॉप ने मेरे को बताया कि यार लॉस सैंटोस की जो गवर्नमेंट है उसने लॉस सैंटोस की पुलिस के लिए एक बहुत ही अल्ट्रा रेयर एक्सपेंसिव सुपर कार मंगवाई है, ताकि उसका यूज करके लॉस सैंटोस की पुलिस लॉस सैंटोस के खतरनाक क्रिमिनल्स को पकड़ सके. तो गाइज यार, वो अल्ट्रा रेयर सुपर एक्सपेंसिव पुलिस कार हम लोग को स्टील करनी ही होगी. सो गाइज यार, चलो बिना किसी टाइम वेस्ट करे जल्दी से चलते हैं मिलिट्री कैंप में. तो चॉप बेटा, मैं जा रहा हूँ यार उसी मिलिट्री में वो कार स्टील करने. एंड चॉप बेटा, अगर मैं वहाँ पे गया एंड वहाँ पे मुझे कोई कार नहीं मिली तो मैं बता रहा हूँ तुम्हें, मैं बहुत आगे पे लूंगा. अरे मालिक, खबर 100% सच्ची है. हमारे गली के सबसे महान रिपोर्टर कुत्तों ने ये खबर निकाली है. आप बिल्कुल चिंता मत करो, और अगर आपको वहाँ पे जाके कोई गाड़ी ना मिले आप मेरा नाम बदल देना. अच्छा ठीक है फिर चॉप यार, अगर सही में अगर गाड़ी नहीं मिली तो तुम्हारा नाम मैं चिकनी चमेली रख दूंगा. अरे मालिक, आप मेरा नाम चाहे चिकनी चमेली रखना चाहे मुन्नी बदनाम, जो रखना है रखना, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं क्योंकि खबर पक्की सच्ची है. ओके यार चॉप बेटा, यार मैं तुम पे भरोसा कर रहा हूँ. तो गाइज यार, चलो यार जल्दी से चलते हैं उस मिलिट्री कैंप में एंड ले आते हैं चोरी करके वो वाली पुलिस सुपर कार को. लेट्स गो. एंड गाइज यार, जब तक मैं जा रहा हूँ उस मिलिट्री कैंप में, गाइज तुम लोग यार उस लाइक वाले बटन को ठोको यार, आज की वीडियो बहुत ज्यादा ऑसम है. एंड साथ ही साथ अगर चैनल पे नए आए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और साथ ही साथ उस बेल आइकन को दबाना मत भूलना. ओह यस, अब चलो जल्दी से चलते हैं मिलिट्री कैंप में. ऑलराइट गाइज यार, बस हम लोग पहुंच गए हैं मिलिट्री कैंप वाले एरिया में. चॉप ने गाइज जो लोकेशन बताई थी उसके हिसाब से तो यार यहीं कहीं होना चाहिए मिलिट्री कैंप. ओह गाइज, आई गेस यार यही है मिलिट्री कैंप. मेरे को वहाँ पे एक हेलीकॉप्टर दिखाई दे रहा है एंड आई गेस यार वहाँ पे 2-3 लोग भी मेरे को दिखाई दे रहे हैं. थोड़ा पास जाके देखता हूँ. यस गाइज यार, यहाँ पे देखो पूरी सिक्योरिटी लगी हुई है. वहाँ पे 3-4 मिलिट्री वाले बंदे हैं, अपनी बंदूक लिए खड़े हुए हैं गाइज ये लोग. तो मेन गेट से तो आई डोंट थिंक मैं एंटर कर सकता हूँ. ये मिलिट्री वाले लोग पक्का मेरे को अंदर जाने नहीं देंगे, मेरे को एंट्री में ही रोक देंगे. लेट्स सी यार, शायद कहीं से हम लोग को दिख जाए जाने का रास्ता. एंड अरे यार, यहाँ पे मैंने काम बाइक रोक ली, यहाँ पे तो 2-2 गार्ड्स खड़े हैं. अरे वो लॉन्डे, यहाँ से हटो यार भाई, ये मिलिट्री का एरिया है भाई. हाँ सर जी, मैं तो बस यहाँ मैं अपनी गर्लफ्रेंड को लेने आया था, उसने मेरे को यहीं पे बुलाया था. अरे यार, अपनी गर्लफ्रेंड को कहीं और मिलो, यहाँ भाई मिलिट्री का एरिया मत रुको. सर जी हाँ सॉरी सर जी. हाँ गाइज यार, यहाँ पे तो हर जगह यार मिलिट्री के बंदे ही बंदे हैं यार. वहाँ पे देखो 2 लोग वहाँ पे खड़े होकर झांक रहे हैं. कहाँ से एंट्री लूँ यार, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है. यहाँ पे चलते हैं. अरे ये तो गाइज, ये तो एंट्री का एरिया है. अरे भाई, तुम कहाँ से चले जा रहे हो यार, ये मिलिट्री का एरिया है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा क्या? सर जी, मेरे को लग रहा था ये रोड है, इसलिए मैं यहाँ पे चला जा रहा था. अरे भैया, रोड नहीं है, ये मिलिट्री एरिया है, तुम जल्दी से बाइक घुमाओ नहीं तो तुम भून दिए जाओगे. तुम्हारे ऊपर गोलियाँ भी चल सकती है. गोलियाँ चल सकती है और क्या. मिलिट्री एरिया में जो अनजाना व्यक्ति एंटर करता है उसके ऊपर सीधे गोलियाँ चलती है. सर वार्निंग नहीं देते क्या आप लोग? नहीं, रूल्स के खिलाफ है वार्निंग देना, सीधा पॉइंट एंड शूट और कुछ नहीं. अच्छा ऐसा होता है, तो ठीक है सर जी, मैं यहाँ से निकल ले रहा. हाँ निकल लो. गाइज यार, ये मिलिट्री कैंप एरिया तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक है. यहाँ पे ये लोग बोल रहे हैं कि यार सीधा गोली चलती है अगर कोई अनजाना व्यक्ति यहाँ पे घुसा है. आई डोंट थिंक गाइज यार, ये मेरे को यार ऐसे यहाँ पे घुसना चाहिए. अगर मैं घुस भी गया यहाँ से किसी तरह और किसी ने मेरे को देख लिया तो यार सीधा ये लोग तो मेरा निपटारा कर देंगे. यार मैं एज अ नॉर्मल सिटीजन यार इस मिलिट्री कैंप में नहीं घुस सकता. अगर मैं मिलिट्री का बंदा होता तो बात अलग थी यार, फिर मैं घुस सकता था, लेकिन एज अ नॉर्मल सिटीजन नहीं घुस सकता. काश मैं मिलिट्री का बंदा होता, काश मैं होता. ओह गाइज यार, मेरे पास एक बहुत ऑसम आइडिया है. गाइज यार, मैं मिलिट्री का बंदा जरूर नहीं हूँ, लेकिन यार मैं बन सकता हूँ. आई मीन मतलब गाइज, मैं कपड़े तो एटलीस्ट पहन सकता हूँ मिलिट्री के बंदों के. तो गाइज यार, हम लोग ऐसा करते हैं यार, जल्दी से कपड़ों की दुकान में चलते हैं एंड वहाँ से मैं यार मिलिट्री के कपड़े खरीद के पहन लेता हूँ और फिर एज अ मिलिट्री पर्सन हम लोग एंटर करते हैं. आई गेस गाइज ये प्लान काम कर सकता है. तो गाइज जल्दी से चलो यार कपड़ों की दुकान में चलते हैं. लेट्स गो. ऑलराइट गाइज यार, हम लोग बस पहुंच गए हैं कपड़ों की दुकान में. अरे कहाँ को से चले जा रहे हो भाई, बस तो चलान दो. ए ले उंगली ले. अरे बढ़ाओ यार, गंदी वाली उंगली तो मत दिखाओ यार कम से कम. अरे तुम घुस चले जा रहे हो. अरे यार गाइज यार, लॉस सैंटोस के लोग बड़े अजीब हैं. खैर छोड़ो गाइस यार, हम लोग पहुंच चुके हैं यार इस दुकान में. अब गाइस चलो चलते हैं यहाँ से खरीदते हैं यार मिलिट्री वाले कपड़े. ओके यहाँ दीदी जी बैठी हुई हैं, दीदी जी से पूछते हैं. दीदी जी कपड़े दिखा दो मेरे को यार मिलिट्री वाले. अच्छा मिलिट्री वाले कपड़े आपको चाहिए? हाँ हाँ मिलिट्री वाले कपड़े चाहिए दीदी जी. हाँ हाँ जरूर, उधर आप जाइए वहाँ मिल जाएंगे आपको. ठीक है, थैंक यू दीदी जी, थैंक यू. ऑलराइट गाइस, दीदी जी का कहना है यहाँ पे मिल जाएंगे. एंड यार यहाँ पे टंगी हुई यार मिलिट्री वाली जैकेट्स. ऑलराइट गाइस यार, मैं जल्दी से यार ड्रेसिंग रूम में जाता हूँ और ये चेंज करके आता हूँ. ऑलराइट गाइस यार, मैं आ गया ड्रेसिंग रूम से एंड यार मिल गया यार मेरे को मिलिट्री के कपड़े. यार लग रहा हूँ ना मैं बिल्कुल अब मिलिट्री वाला बंदा, मस्त है यार. अब गाइस यार चलो चलते हैं वापस से मिलिट्री एरिया में. सो दीदी जी ये वाले कपड़े मैं ले जा रहा हूँ, ठीक है? भैया ले जाओ, 5
500 रुपए दे जाओ। हाँ हाँ ये लीजिए 500 रुपए। जी अब आप जाइए और धूम मचाइए। हाँ हाँ दीदी जी धूम मचाएंगे मचाएंगे। दीदी जी बढ़िया शेर और शायरी करती हैं। अब चलो गाइस हम लोग जल्दी से चलते हैं अपने मिलिट्री कैंप में एंड कोशिश करते हैं एंटर करने की मिलिट्री कैंप में। लेट्स गो। ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन हम लोग पहुंच गए यार मिलिट्री कैंप में। अब ऐसा करते हैं गाइस यार हम लोग अपनी बाइक नहीं ले जाते क्योंकि यार जब हम लोग वहां पे पहले एंटर करने गए थे तो उन लोग ने हमारी शक्ल तो नहीं देखी होगी क्योंकि काफी दूर थे लेकिन बाइक जरूर देख ली होगी। तो ऐसा करते हैं बाइक में यहाँ साइड में पार्क कर देता हूँ एंड यहाँ से पैदल चलता हूँ मैं वहाँ पे। एंड आप गाइस यार आई कैन जस्ट होप कि यार वो लोग यार मेरे को मान ले कि मैं मिलिट्री वाला बंदा हूँ और मेरे को एंटर करने को मिल जाए। चलो यार हम लोग अब बिना कुछ बोले यार ऐसे ही आराम से चलते हैं। अरे लांडे रुको। हाँ सर जी क्या हुआ? अरे लौंडे यार तुम यार नए बंदे दिख रहे हो, कौन से डिपार्टमेंट के हो? सर जी आपने मुझको नहीं पहचाना? अरे भैया हम तुम्हें पहली बार देख रहे हैं भाई, हम कैसे पहचान लेंगे तुम्हें? अरे सर जी मैं वो हूँ राजू का मैं भाई हूँ जिसकी अभी अभी नौकरी लगी है। अरे राजू, राजू का भाई भी हमको तो पता ही नहीं था। तो चलो फिर तुम जाओ अंदर, राजू वही गाड़ियों पे काम कर रहा है अंदर। गाड़ियों पे? हाँ हाँ नई नई गाड़ियाँ नहीं आई है, सरकार ने भेजी है लॉस एंटोस के पुलिस के लिए, उन्हीं में से किसी गाड़ी पे काम कर रहा है, तुम जाओ से मिल लो जाके। हाँ हाँ जरूर 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 अंकल जी, अंकल जी थैंक यू अंकल जी, लो मैं पैर छू लू। अरे भाई पैर पर झूनो मत यार, हम तो स्वीट 16 है यार, हमारे चमकते हुए टकले पे मत जाओ भाई, हम अभी जवान है। हाँ सर जी आप तो बिल्कुल यंग है। ओके थैंक यू सर जी मैं जा रहा हूँ। हाँ जाओ जाओ। अरे गाइस यार मैंने सही में चकमा दे दिया, मैंने तो ऐसे ही रैंडमली राजू बोल दिया था, इतना ज्यादा कॉमन नाम है राजू, किसी ना किसी का तो होगा ही। चलो गाइस यार चकमा तो दे दिया मैंने मिलिट्री वालों को। अब गाइस यार मेरे को बस कार ढूंढनी है कि यार मिलिट्री वाली कार आखिर है किधर पे। आई थिंक यार इस यार कैंप में कहीं ना कहीं गैराज भी होगा, वहीं पे कार्स खड़ी होंगी। ओ यहाँ पे ये तीनों क्या कर रहे हैं? ओहो हो यहाँ पे तो गीत संगीत चल रहा है। लाइक गाइस देखते हैं क्या सीन है यार यहाँ पे। सास गाली देवे देवरजी सुट्टा लेवे ससुराल गेंदा फूल। अरे सुरेश क्या गाते हो तुम यार, कमाल का गीत गाते हो तुम। थैंक यू सुरेंद्र। हाँ यार सुरेश तुम तो अच्छा गाते हो, तुम इंडियन आइडल में जाओ, दो आंसू बहाना तुम्हारा तो पक्का सिलेक्शन हो जाएगा। हाँ गोलू हम भी वही सोच रहे हैं, मिलिट्री की जॉब छोड़े और इंडियन आइडल में जाए। अरे लौंडे तुम कौन हो, तुम तो नए आदमी दिख रहे हो, आखिर हो कौन, पहले तो कभी नहीं दिखे। मैं सर जी। हाँ लौंडे तुम ही नए बंदे हो। सर जी यार मेरा अभी यार नया सिलेक्शन हुआ है इसलिए आपने मेरे को कभी पहले नहीं देखा होगा। अच्छा अच्छा बढ़िया है बढ़िया है। अच्छा तुम मेरा गाना सुनो और फिर बताओ मैं कैसा गा रहा हूँ। चिट्ठियाँ कलैया वे ओ सॉरी तेरी वाइट कलैया वे होए। सर जी बहुत कमाल का गा रहे हैं सही में, आप पक्का सिलेक्शन हो जाएगा इंडियन आइडल में। हाँ शुक्रिया शुक्रिया। गाइस यार बड़े कार्टून यार मिलिट्री वाले कसम से यार बड़े अजीब अजीब हरकतें कर रहे हैं। चलो गाइस यार इनको छोड़ो यार, हम लोग आगे अपनी कार देखते हैं यार, कार किधर पे यार किधर पे है। ओ गाइस यार यहाँ पे तो बाइक्स खड़ी हैं एंड यहाँ पे एक बीच में कार भी खड़ी है। क्या गाइस यार यही है क्या वही वाली सुपर कार? गाइस दिखने में कुछ खास तो नहीं लग रही ये वाली सुपर कार, बट मे बी यार यही वाली हो, पता नहीं यार ये वाली है कि। ओ गाइस यार वाओ, गाइस यार मिल गई मेरे को सुपर कार, ये रही। आई गेस यार ये तो एक लैम्बोर्गिनी है। यस गाइस यार ये कस्टम लैम्बोर्गिनी पुलिस कार है। गाइस यार अब तो यार मन कर रहा है जल्दी जल्दी इस गाड़ी को उठाऊं और भाग लूं, इतने सारे मिलिट्री के लोग खड़े हुए हैं, मैं इनके सामने से नहीं ले जा सकती, तो मेरे को पेल देंगे दो मिनट में। इस गाड़ी में चाबी भी नहीं लगी है यार, पता नहीं इनमें से किसके पास चाबी होगी यार, मेरे को किसी से तो पूछना पड़ेगा। उस साइड में यार गाइस यार ये दोनों मिलिट्री बॉयज बियर पी के डांस कर रहे हैं। यार ये लोग किस टाइप के मिलिट्री वाले हैं यार, सुबह ही सुबह शुरू हो गए। तो ऐसा करता हूँ गाइस यार ये दोनों अपने होश में होंगे नहीं ज्यादा, मैं इन दोनों से ही पूछता हूँ कि आखिर है किधर पे यार इस कार की चाबी। ओ हेलो दोस्तों यार क्या चल रहा है यार? अरे भाई अपनी पारी चल रही है, पारी। हाँ बिल्लो अपनी तो पारी चल रही है, पारी। अच्छा आप लोग दो अपनी पार्टी करो, मैं बस ये पूछ रहा था सुपर कार की जो आपकी है बगल में अपनी जो आई है इसकी जो ये चाबी अभी होगी वो कहाँ पे होगी, मेरे को जरा चाहिए थी। चाबी तो ये बगल वाली टेबल की ड्रॉअर में है। और लांडे तुम भी पार्टी करना चाहोगे हमारे साथ? हमारे पास स्टॉक बहुत है बियर का। अरे दोस्तों यार पार्टी मैं किसी और दिन कर लूंगा, मेरे को जरा काम है अभी। अरे यार करो तो मजा आएगा। अरे नहीं यार बाद में कर लूंगा। गाइस यार चलो यार पता तो चल गया इस ड्रॉअर में चाबी है, एक सेकंड मैं ले लेता हूँ इस ड्रॉअर से चाबी। ऑलराइट गाइस यार मैंने ले ली यार गाड़ी की चाबी, अब यार किसी तरह गाइस मेरे को बस ये गाड़ी निकालनी होगी एंड भागना होगा। गाइस यार मैं चुप्पे चाप बैठ के निकल ले रहा ऐसी की तैसी, आई होप यार मुझे कोई रोके ना। एंड जरा अंदर से देखो यार कैसी गाड़ी है। ओह माय गॉड यार ऑसम गाड़ी है यार। अब ऐसा करता हूँ गाइस यार मैं धीरे धीरे निकाल लेता हूँ, आई होप यार मुझे कोई नहीं रोके। चलो 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 गाइस आराम आराम से चलते हैं। चलो यार गाइस यार मुझे कोई भी नहीं रोक रहा, बहुत बढ़िया।
अब गाइस यार यार बस मुझे यार सामने ही एग्जिट दिखाई दे रहा है, बस यार किसी तरह यार यहाँ से और बाहर निकल लूं फिर यार ये गाड़ी समझो अपनी। चलो चलो आराम आराम से चलो। अरे लॉन्डे रुको। हाँ सर जी। अरे लॉन्डी गाड़ी बाहर कहाँ ले जा रहे हो यार, बाहर नहीं ले जा सकते। नहीं सर जी मेरे को यार ये गाड़ी डिलीवर करने को बोला गया है। अरे लॉन्डे कहीं नहीं डिलीवर करने को बोला गया है यार, पहले तुम गाड़ी छुटो, तुम कहाँ ले जा रहे हो यार ऐसी गाड़ी को। अरे सर जी आप मुझे भूल गए क्या, मैं तो राजू का भाई हूँ। अरे यार राजू के भाई हो जानते हैं, लेकिन तुम गाड़ी से निकलो भाई, अलाउड नहीं है। हम लोग को कड़े इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि मिलिट्री कैंप से बाहर नहीं निकाल जा सकती गाड़ी। भाई गाड़ी से तुम उठो, जल्दी उठो। सर जी सुनिए तो मेरी बात। अरे यार तुम उठो कहीं नहीं रहे गाड़ी से। अरे सुरेंद्र भैया मैंने दोनों गाड़ी के इंजन रिपेयर कर दिए, अब बताओ यार कौन सी गाड़ी बची है। अरे यार राजू तुम यार ये गाड़ी यार छोड़ो, तुम ये देखो यार तुम्हारा भाई यार ये पुलिस वाली सुपर कार को कहाँ ले जा रहा है। मेरा भाई? अरे सठिया गए हो क्या बुढ़ऊ, हमारा कोई भाई थोड़ी है। तुम्हारा कोई भाई नहीं है? नहीं। मतलब तू ये घुसपैठिया है? मिलिट्री सारे के सारे इधर आओ। सर जी आप ये क्या कर रहे हैं? वही करना है जो करना चाहिए, तुम घुसपैठिए हो, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। आप चुपचाप गाड़ी से निकले हो और जेल चलो। अरे गाइस यार ये तो मैं बहुत बुरा फंस गया। गाइस यार ये सामने ये सब खड़े हुए हैं, तो ये लोग मेरे को जेल ले जाके ही मानेंगे। ए लॉन्डी जल्दी गाड़ी निकलो, नहीं तो तुम्हारे पर सारी गोलियां भून दी जाएंगी। मैं तीन तक गिनता हूँ, अगर तुम गाड़ी से नहीं निकले तो तुम्हारे पर सारी गोलियां भून दी जाएंगी। अरे यार सर जी यार ऐसा मत करो यार। एक। सर जी यार ये चीटिंग होती है। दो। अरे यार गाइस मैं तो फंस गया, अब मैं आखिरी गिनती गिनने जा रहा हूँ। सर जी आपने मेरे को कोई और चॉइस नहीं दी। सो सर जी हटो तो ऐसी तैसी। अरे भैया मार डाला। गाइस भागो 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 भागो। गाइस यार ये लोग तो गोलियों की बौछार कर रहे हैं। भागो 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 भागो। गाइस यार जल्दी भागो। गाइस यार मैं लैम्बोर्गिनी को किधर किधर उछाल के लिए चल रहा हूँ सीरियसली। अरे 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 भागो भागो जल्दी भागो जल्दी भागो। अरे 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 सॉरी सर जी, सारी गलती से मैंने आप लोग को गाड़ी पीछे ठोक दिया। ऑल राइट गाइस यार मैं काफी दूर आ चुका हूँ, एंड आई गेस यार मुझे कोई भी फॉलो नहीं कर रहा है, कोई मिलिट्री का बंदा मुझे दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा है। यार आई गेस यार मैंने इन लोग को चकमा दे दिया, सारे मिलिट्री के बंदों को। आई गेस यार ये हो गया है, एंड आई थिंक गाइस यार मैंने चुरा लिया यार अल्ट्रा रेयर पुलिस सुपर कार, एंड यार ये गाड़ी बहुत ऑसम है। एंड आई होप यार इस वीडियो में गाइस यार तुम लोग को मजा आया हो। अगर आया गाइस देन मेक श्योर यार इस वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पे नए आए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, एंड साथ ही साथ उस बेल आइकन दबाना मत भूलना। एंड गाइस यार कमेंट सेक्शन में मेरे को यार कुछ टॉपिक्स गेस करो यार वीडियो, मतलब कुछ अगर अच्छे तुम लोग के दिमाग में टॉपिक्स हैं वीडियो के लिए देन मेक श्योर कि मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं उस पे भी वीडियो बना दूंगा। एंड बस गाइस यार दिस इज पेरी गोस वाइल्ड, एंड अब मैं मिलता हूं तुम सबसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय बाय।